नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट पर। देखो जी, 2014 में जब बीजेपी केंद्र सरकार में थी, जब उन्होंने इलेक्शन घोषित किया था कि मैं जब केंद्र सरकार में आऊंगी तो मैं इस दिल्ली के राज्य को पूर्ण राज्य दिलवाऊंगी। आज 5 साल पूरे हो गए, उसने कोई पूर्ण राज्य नहीं दिलवाया। आज अगर हमारा दिल्ली राज्य पूर्ण राज्य होता, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारे दिल्ली के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, स्कूल के लिए या शिक्षा के लिए या हमारे बच्चों के लिए, नौकरियों के लिए इतना फायदा होता, पर आज हम बीजेपी पर इतना गुस्सा है कि 5 साल बाद आके फिर वो ये कहते हैं कि हम आपको राज्य दिलवाएंगे। 5 साल पहले कहाँ थे? इसलिए हमने उन लोगों के ऊपर इतना गुस्सा है कि आज के बाद हम उनको वोट देना बंद कर दें। जनता इसलिए खुश है कि अब ये जुमलों के ऊपर नहीं आना चाहती, अब वो देखना चाहती है कि जो हमने 5 साल पहले इन लोगों ने हमें पूर्ण राज्य के लिए दिया था, वो कुछ भी नहीं किया, आज हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए बीजेपी को, आज मोदी जी को इतना झटका देंगे कि हर लोग इतने गुस्से में है कि हमें भगत पूर्ण राज्य हो। आज हमारा बच्चा दूसरे राज्य में शिक्षा करने जाता है, अगर पूर्ण राज्य हो कम से कम हमारा बच्चा हमारे ही राज्य में शिक्षा दे सकता। ये कोई मुद्दे हमारे नहीं है, ये मुद्दे बीजेपी के ही है जी। क्योंकि जब मदन लाल जी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे जी। और शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, ये बीजेपी के मुद्दे हैं और हम उन्हीं को उठा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि हमने मैनिफेस्टो निकाला था तो हमने बोला था कि हम इसमें पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश करेंगे जी। मगर हमारे से पहले जब बीजेपी सत्ता में थी, दिल्ली की सत्ता में थी और कांग्रेस की सत्ता में थी, तब उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया कि हम पूर्ण राज्य की ओर अग्रसर होंगे और जनता को पूरा यहाँ फैसिलिटीज दिलवाएंगे जो पूर्ण राज्य को मिलता है। तो हम अपने वादे तो पूरे कर ही रहे हैं, साथ के साथ हम बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो जनता के साथ वादा किया था, आप उसके ऊपर खरे नहीं उतरे। और जनता के साथ ये सीधा सीधा जुमलेबाजी ना कहकर सीधा सीधा विश्वासघात है, क्योंकि आपने वादा किया था, आपके मुख्यमंत्री ने वादा किया था, शीला जी ने वादा किया था, मदनलाल खुराना जी ने वादा किया था। और सबसे बड़ा जो हम खुद कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कि जो मैनिफेस्टो होता है वो एक धार्मिक ग्रंथ की तरह होता है, उसके ऊपर आपने जनता को ये वादा किया होता है कि ये हम तमाम काम करेंगे जो आपसे हमने वादा किए। तो ये आज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा ये रोष नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का रोष नहीं है, ये जनता का रोष है जो यहाँ पर अब सड़कों पे दिखाई दे रहा है। ये जनता की आवाज़ है, हमारे थ्रू निकल रही है, हम जनता हमारे साथ है। और बीजेपी कांग्रेस ये पूछ रही है कि आपने जो वादा किया था पूर्ण राज्य के ऊपर, वो उसका क्या हुआ? और दिल्ली की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी झूठी है, वादे पूरे करती नहीं है। और इस जो हमने इसको बनाया था प्रधानमंत्री, इस बेस पे बनाया था कि ये हमारी मांगे पूरी करेगा और ये हमारे साथ अच्छा मिल करके चलेगा। दिल्ली की जनता बड़ी खुश थी और इसको अच्छे वोटों से जितवाया भी। उसके बाद भी इसने हमारी पूरे भारतवास में रहते हुए धांधलेबाजी की, चोरी डकैतियाँ की। एक चोर बंदा क्या कहता है, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार किसे कहा जाता है? एक आदमी अपने घर के बाहर चौकीदार बिठाता है तो उसके ऊपर सारा बोझ होता है, उस पूरे घर को संभालना। इसने चोरियाँ की हैं, डकैतियाँ की हैं। मैं कहती हूँ बीजेपी वो चीज़ है जो आज तक कोई ऐसा राजा किसी भी देश में नहीं हुआ। एक हिंदुस्तान में एक चोर राजा हुआ और नाम रखता है चौकीदारी। मैं कह रही हूँ चोर है, चोर है और पक्का चोर है। और इसने दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं करना, कोई गरीब के कुछ लिए नहीं करना, बस दैट्स ऑल। मैं इतना ही कहना। दिल्ली की जनता भी ऐसा ही बोल रही है? पूरी दिल्ली की जनता, देखो आम आदमी पार्टी वाले तो बोलते ही हैं, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी एक फैसिलिटी मिले, हमारे को एक, हमारा जो चौकीदार बना है, हमारे को देखने वाले के लिए बना है, वो हमारे साथ दगाबाजी कर रहा है हर बात। जिस दिन से ये बंदा आया, 5 साल हो गए धीरे धीरे हमें इसकी मिन्नतें सुनते हुए, करते हुए, पर ये बंदे को ना घूमने से फर्ज है। अभी आपने देखा होगा है, हमारे 40 आदमी मरे हैं जवान, और जवान मरने के बाद भी इसने वो धांधलेबाजी करी है, उसमें भी झूठ बोला इसने है, कभी कुछ कभी कुछ। आतंकवादियों को इतना बढ़ावा देता, खुद छोड़ के आया। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं रजौरी गार्डन विधानसभा अध्यक्ष हूँ, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और जैसा कि ये हम जलाना नहीं चाहते थे, अगर वो अपने वादे पूरे कर देते तो, अगर अपने वादे पूरे करते जो उन्होंने दिल्ली की जनता से एक उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम जब आएंगे सत्ता के अंदर तो हम दिल्ली को फुल स्टेटहुड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हो कि दिल्ली के 7 सांसदों ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया।
और अभी जैसा कि हमारे को सुनने में आ रहा है, पीछे मनोज तिवारी जी ने भी ये अपना बोला है कि जो इस बारी का जो वो आगे प्रोपागेंडा जो प्लान कर रहे हैं, जो भी अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, उसमें वो दिल्ली स्टेट एज ए स्टेट हुड के लिए वो उसके अंदर कोई कॉलम नहीं डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम दिल्ली के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमारे को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिल रहा है। हमारा हर राज्य के अंदर एक इंसान का एक वोट होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारा आधा वोट है। तो हमारे को कहीं ना कहीं पे, चाहे वो कोई भी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो स्कूल की फैसिलिटीज़ हो, कॉलेज की फैसिलिटीज़ हो, वो सब हमारे को आधी ही मिल रही है। हमारे जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रही है, जबकि वो अबव 90-95% 99% लेकर आ रहे हैं, उनको दिल्ली से बाहर जाके एजुकेशन लेनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं पे हमको इसको सोचना पड़ेगा, दिल्ली के हर एक सदस्य को सोचना पड़ेगा। अगर हमने दिल्ली के अंदर रहना है तो दिल्ली एज ए स्टेटहुड हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। इसी के लिए ही हम आम आदमी पार्टी, हम आम जनता, पूरी जनता के साथ हैं। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं याद दिलाना चाहूँगा मोदी जी को, जो 2004 में जब वो पावर में आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का जी। और वो आज अपने उस वादे से पूरा का पूरा फेल हो गए हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दिल्ली जो दिल्ली वाले जो लोग हैं उनका वोट का पूरा पावर नहीं है, उसका वोट का पावर आधा है। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए फाइट करें, संघर्ष करें आम आदमी पार्टी के साथ में, और अरविंद जी को सपोर्ट करें। और दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलने से दो तीन मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो दिल्ली के लोगों के लिए नौकरियां रिजर्व हो जाएंगी 85%, दिल्ली में हायर एजुकेशन में 85% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि हम अपने नए स्कूल्स बना पाएंगे, यहाँ पे लैंड दिल्ली के अंडर में आ जाएगी, हम नए विश्वविद्यालय खोल पाएंगे, जो कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हुए भी, और दिल्ली पूरे इंडिया का दूसरा राज्य है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, 1.5 लाख करोड़ रुपये हम पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली को सिर्फ एक भीख के रूप में 325 करोड़ रुपये दे दिए जाते हैं। तो ये मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि वो दिल्ली वाले एकजुट हों और इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, अपने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट करें। मेरा नाम अमित तंवर है, रजौरी गाड़ी विधानसभा। देखिए, जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे 2014, तब उन्होंने एक मैनिफेस्टो निकाला था। मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि हम अगर जीते तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। इनके पिछले मुख्यमंत्री भी आप ले लीजिए, साहिब सिंह वर्मा को ले लीजिए, आप मदनलाल खुराना को ले लीजिए, इन्हीं सभी लोगों ने एक अपने मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिससे दिल्ली सरकार के अंडर जो भी काम होगा वो पूर्ण तरह से दिल्ली सरकार कर पाएगी। लेकिन आज वही मुद्दा जब लोगों के बीच में गया तो बीजेपी ने वही हथकंडा अपनाया वो अक्सर करते हैं, जुमलाबाजी। मोदी जी का वही जुमलाबाज आज भी है कि उन्होंने अब फिर वही कह देना है कि मुझे एक बार और प्रधानमंत्री चुनिए ताकि जिससे मैं फिर अपने काम कर सकूँ। लेकिन जो काम उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखे थे, मैं देश की जनता से, दिल्ली की जनता जो है, जनता नाखुश है, बिल्कुल नाखुश है। जितने भी इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, मैं आप लोग सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने वो पूर्ण हुए। इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। देखते रहिए तब तक हमारे साथ न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट।